एवरीवन, बिहार में अब इस खास शपथ पत्र पर ही जमीन की होगी रजिस्ट्री, इन प्रश्नों को देना होगा जवाब। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ाओ, विस्तार पूर्वक बताओ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी ऐसे अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो जी हाँ, बिहार में अब इस खास शपथ पत्र पर ही जमीन की होगी रजिस्ट्री। तो मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक शपथ पत्र का फॉर्मेट तैयार किया है, जिस पर हाँ और नहीं में जवाब देना होगा। इस शपथ पत्र को स्व हस्ताक्षरित भी करना होगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। बिहार में जमाबंदी के नए नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री में कई तरह की हो रही परेशानियां को देखते हुए मध्य निषेध विभाग एवं निबंधन विभाग ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत अब रजिस्ट्री होने वाली हर दस्तावेज विभाग की तरफ से 18 बिंदुओं पर जारी घोषणा पत्र विक्रेता के हस्ताक्षर हाँ एवं ना में जवाब के साथ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम रजिस्ट्री ऑफिस ने बुधवार से ही लागू कर दिया। नए नियम के बाद प्रभावित हुई जमीन रजिस्ट्री। तो मैं बता दूं कि विभाग की तरफ से यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई क्योंकि जमाबंदी के नए नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री की काफी प्रभावित हो गई है। बहुत सारे जमाबंदी अंचल ऑफिस में ने ऑनलाइन नहीं किया है, ऑफलाइन जमाबंदी का रसीद उपलब्ध होने पर भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके अलावा कई तरह की परेशानियां हो रही थी। सरकार स्तर पर मंथन होने के बाद विभाग ने कई ऐसे पॉइंट को तैयार किया है जो कॉमन है। इस पर हाँ ना में जवाब प्राप्त करते हुए जमीन के विक्रेता में से एक सेल्फ अटेस्टेड जो है एफिडेविट पत्र लिया जाएगा। इसके साथ ही जमीन की रजिस्ट्री होगी ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी जमीन के विक्रेता और क्रेता के साथ विभाग को कोई नहीं हो सके। तो शपथ पत्र में जो है 18 बिंदुओं पर आपको जवाब देना है। बता दूं कि जमाबंदी मेरे नाम पर कायम है, जमाबंदी सृजन का कौन सा सेक्शन नहीं, क्या जमाबंदी संयुक्त रूप से कायम है, यदि जमाबंदी संयुक्त है तो अपने हिस्से की भूमि विक्रय दान कर रहे हैं, यदि जमाबंदी कोई त्रुटि है तो विवरण का उल्लेख करें, कोई संपत्ति विवरण में कोई त्रुटि हुई तो क्या जमाबंदी विक्रेता दानकर्ता के नाम से कायम है, तो क्या शहरी संपत्ति होल्डिंग कायम है, क्या होल्डिंग विक्रेता दानकर्ता के नाम से कायम है, तो क्या संपत्ति शहरी क्षेत्र में अवस्थित फ्लैट अपार्टमेंट यहां तक कि होल्डिंग साक्ष्य में संलग्न है, यहां संलग्न जो है संपत्ति क्षेत्र में अवस्थित प्लेट है फ्लैट है, क्या भूमि टोपोलैंड से संबंधित है तो टोपोलैंड की भूमि जमाबंदी का साक्ष्य संलग्न करना होगा। यदि मैं बता दूं कि क्या 21 फरवरी से पहले रजिस्टर दस्तावेज सुधार में जमाबंदी की आवश्यकता नहीं है, विभाग की तरफ से ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेज को दोबारा अनुपूरक सुधार पत्र की रजिस्ट्री में जमाबंदी खत्म कर दिया गया जिसको रजिस्ट्री 21 फरवरी से पहले हुई है। सरकार की तरफ से पत्र जारी करके भूतपूर्व से किसी दस्तावेज की रजिस्ट्री हुई इसे खाता